नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। यदि रिस्क ले सकते हो तो मात्र 200 शेयर ले लीजिएगा, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक मात्र 60-70 रुपए का स्टॉक है। यदि 200 शेयर यदि आप लेके लंबे समय के लिए होल्ड कर लेगा तो वाकई ये स्टॉक एक बड़ा आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिस्क रिवार्ड देखते हुए एंट्री लीजिएगा, अपना भी एनालिसिस कर लीजिएगा, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। अब मैं एजुकेशन पर्पज से ही आपके सामने ये वीडियो देख रख रहा हूँ, आप अपना एनालिसिस जरूर करिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करें तो प्रमोट के पास 63% की होल्डिंग है, DIs हल्का फुल्का है, पब्लिक के पास लगभग 36% से ज़्यादा की होल्डिंग है, लगभग 37% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास में एक अच्छा साइड माना जाएगा। दूसरी चीज़, डेप्टर डेज कंपनी का 36 दिनों से बढ़ के 56 हो गया, थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन ये सुधारा जा सकता है। और 56 दिन 56 दिन बहुत ज़्यादा डेप्टर डेज नहीं होते हैं। और साथ में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कंपनी का जो रिजर्व है कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, 430 से 530 से अब 636 हो गया। साथ में इस कंपनी के पास में छोटी सी कंपनी के पास बोरोइंग भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें तो कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट है, कंटिन्यू सेल्स, इनका ईयरली जो सेल्स है कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, आप देख सकते हैं 1040, 1009, फिर 1525। और इनका नेट प्रॉफिट भी आप देखिए ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जबरदस्त है इनका, नेट प्रॉफिट भी 68, 47, 29, अभी का इस साल का तो 134 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ, EPS में भी जबरदस्त जंप है। साथ में ये क्वार्टरली भी काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है, 251, 305, 436, अभी 534 करोड़ का सेल्स किया अभी मार्च 2022 में। और इनका प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी आप देखें जबरदस्त कंपनी का, दिसंबर 2021 में 41 करोड़ था और वहाँ से अब उठ के 68 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी लगातार जबरदस्त कर रही है, इस स्टॉक पे बिल्कुल नज़र बना के रखिएगा, वॉचलिस्ट में रखिएगा, एनालिसिस जरूर करिएगा। 200 शेयर लेना मात्र, मार्केट कैप देखिए 739 करोड़ का है, छोटी सी कंपनी है और करंट प्राइस जो 69 रुपये के आसपास है, और ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, देख सकते हैं इसका बुक वैल्यू भी 69.40 रुपये है, तो बुक वैल्यू सस्ते ही मिल रहा है। इसका हाई 110 का है, लो इसका 30 का है, स्टॉक भी 5.51 है, सस्ते में मिल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8 का है, जबरदस्त है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है। इस कंपनी का नाम है, मैंने पहले भी बताया था, इस कंपनी का नाम है TCV सार्क लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी, बहुत सारा इसका केमिकल कई सेक्टर में यूज करती है कंपनी, हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, एक्वाकल्चर में, पानी को शुद्ध करने में, रियल इस्टेट एक इनका एक अलग सेगमेंट है। साथ में इनका जो केमिकल है वो फार्मास्यूटिकल्स दवाएं बनाने में यूज होता है, साथ में इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड हॉस्पिटलिटी। तो आप देख सकते हैं TCV पे, इस पे आप एनालिसिस जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथ में यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू दोस्तों।